हेलो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 ओवरहेड्स का। क्वेश्चन नंबर 25 मैं रीडिंग कर रहा हूँ अभी आपके साथ। 25 आप लोग सब निकाल लीजिए। अ मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल मशीन्स मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर्स। मशीन 6, मशीन 8, आदमी 6। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली इंगेज ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें 8 हैं, लेकिन वर्किंग एक बार में मशीन 6 करेंगी। रनिंग एक्सपेंसेस 6 के लगेंगे, पर फिक्स हमारे जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, रिपेयर हुई, ये हमारे 8ों पे लगेंगे। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 8 मशीन्स ₹8 लाख। दीज पर्टिकुलर फर्निश फॉर 6 मंथ, यानी कि ये जो हमें डिटेल दी हैं वो अभी 6 महीने की दी हैं। क्या क्या दिया है? नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208, एब्सेंटिज्म विदाउट पे 18, यानी कि इस पीरियड में ना तो लेबर आएगी और ना उनका पेमेंट होगा। लीव विद पे 20 आवर्स, यानी कि पेमेंट तो होगा वेजेस का पर वो काम नहीं करेगी, होगी नहीं। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल 10, यानी कि इस पीरियड का भी पेमेंट होता है आइडल टाइम का, अनअवॉइडेबल का, पर काम नहीं होगा। प्रोडक्शन बोनस 15% ऑन वेजेस, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम 8050, सुपरविजन एंड डायरेक्ट लेबर 3300, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी 1200, एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स ₹20। दीज पर्टिकुलर्स आर फॉर ए ईयर, यानी कि जो ये दिए हुए हैं पर्टिकुलर्स, दीज आर फॉर 6 मंथ्स एंड दिस इज फॉर 12 मंथ्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑन द वैल्यू ऑफ मशीन्स, इंश्योरेंस 40,000, अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसिव 12,000, डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसिव एलोकेटेड, मतलब इस डिपार्टमेंट के लिए कितने अवेलेबल हैं, 54,530। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ए कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर द मशीन शॉप, यानी हमें 1 घंटा मशीन काम करती है तो क्या रेट आती है वो फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि क्या हमें निकालना है, वो है आवर्स। क्वेश्चन नंबर 25, दो तरह के आवर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें वो आवर जिसमें मशीन काम करेगी यानी लेबर काम करेगी, और वो आवर जिसमें प्रोडक्शन होगा। एक इशू इसमें ये आ रहा है कि कुछ खर्चे हमको 6 महीने के दिए हैं, कुछ 12 महीने के। आप चाहें तो 6 महीने का पीरियड ले सकते हैं, चाहे 12 महीने का। मैं कर रहा हूँ 6 महीने से लेके, आप 12 महीना करना चाहे 12 महीने कर सकते हैं। तो हम टोटल पेमेंट आवर्स निकाल रहे हैं, कितने घंटे का पेमेंट मिलेगा। 6 महीने का लेके चल रहा हूं मैं बेटे। 208 घंटे अवेलेबल थे, जिसमें 18 घंटे का ना काम होगा ना पेमेंट होगा। बाकी मैं यहां लेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन घंटों का जो 20 आवर्स हैं, 10 आवर्स हैं, उनका पेमेंट तो होगा लेकिन काम नहीं होगा। तो हम यहाँ पेमेंट आवर्स निकाल रहे हैं। इनटू 6 मंथ्स इनटू 6 मशीन्स। मैंने 6 मशीन क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि मशीन 6 ऑपरेटर चलाएंगे और एक ऑपरेटर एक ही मशीन चलाता है, और विदाउट मशीन ऑपरेटर, विदाउट ऑपरेटर मशीन काम नहीं करेगी। तो 6 मशीन के ही पेमेंट करेंगे, यानी लेबर 6 ही होंगी हमारी। कितना आया? एंड दिस विल कम 6840 आवर्स। दूसरा हम निकाल रहे हैं कितने घंटे प्रोडक्टिव थे, जितने घंटे प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। अब यहां ध्यान देना है, 208 घंटे थे, 18 घंटे काम नहीं हुआ, 20 घंटे काम नहीं हुआ, 10 घंटे काम नहीं हुआ, 6 मंथ्स एंड 6 मशीन्स।
5760 hours, राइट बच्चों? अपन अब अगर बनाते हैं अपन वही अपनी कॉस्ट शीट, मैं 6 मंथ का बेसिस लेके चल रहा हूं। सबसे पहले वही फिक्स चार्जेस, क्या क्या लेंगे इसमें? सबसे पहले ले लेते हैं अपन वेजेस, ₹20 है 8 घंटे की। पेमेंट कितने घंटे करना है हमें? 6840 का ₹20 है 8 आवर्स की, दिट विल कम 17,100। बोनस कितना पे करना है बच्चों? बोनस करना है हमें 15% ऑफ वेजेस, यानी कि 17,100 का 15%, दिस इज 2565। सुपर इसके बाद दिया है हमको पावर, पावर रनिंग में जाएगा, यहां नहीं लेंगे। सुपरविजन, सुपरविजन कितना है बच्चों? 3300, राइट। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 1200। और क्या फिक्स चार्जेस बचे हैं हमारे पास? रिपेयर मेंटेनेंस, वैल्यू ऑफ मशीन्स पर है तो हम यह 6 महीने की लेंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वैल्यू ऑफ मशीन्स 8 लैक्स इंटू 3% इंटू 6/12, दिस विल कम 12,000। इंश्योरेंस 40,000 दिया हुआ है पूरे साल का, हमें 6 महीने का लेना है 20,000। फिर लिखा है अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ये भी पूरे साल के दिए हुए हैं 54,530, अगेन ये 6 महीने के लेने हैं हमें, दीज आर 27,265। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, 10% ऑफ कॉस्ट है, 8 लैक्स इंटू 10%, ये तो पूरे साल का हो गया, 6/12 किया, हाफ ईयर का आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 129,430। उसके बाद रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्ज सिर्फ पावर आनी है बच्चों, कितना है? 8050। टोटल आया 137,480। ये टोटल ओवरहेड्स हो गए हमारे, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स 5760। MHR आ गई हमारी 137,480 डिवाइडेड बाय 5760, ₹23.87। एक बार दोबारा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन में, अगर बच्चों ध्यान से देखो तो पहली चीज 8 मशीनें हैं, 6 ऑपरेटर हैं। साथ में क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मशीन जो काम उसे ऑपरेटर चाहिए चाहिए, बिगर ऑपरेटर मशीन काम नहीं कर सकती, इसका मतलब मशीन 6 ही काम करेंगी, खर्चा 8 पे होगा, रनिंग 6 मशीन की रहेगी। तो इसके बाद जो घंटे दिए हैं 208 घंटे जो नॉर्मल टाइम है, इसके बाद 18 घंटे हैं जहां पर
पेमेंट तो करेंगे लेकिन काम विदाउट पेमेंट है, पेमेंट भी नहीं करेंगे काम भी नहीं होगा। 20 घंटे जहाँ पेमेंट करेंगे काम नहीं होगा, 10 घंटे हमारे क्या है आइडल आवर्स, ये पर मंथ के थे। तो इससे हमने पेमेंट आवर्स निकाले कि हमको 6840 आवर्स निकले 6 महीने के 6 मशीन पर, क्योंकि मशीन 6 ही काम करेंगे एक बार में। प्रोडक्टिव आवर यानी कितने घंटे प्रोडक्शन हुआ, तो ये जितने घंटे नालायकों वाले थे काम नहीं करने वाले वो हटा दिए हमने। देन वी हैव 5760 आवर्स। फिक्स चार्जेस वेजेस 6840 घंटों की निकाली हमने। बोनस दिया हुआ है, सुपरविजन, ये लाइटिंग, ये सब 6 महीने के दिए हुए थे। रिपेयर मेंटेनेंस ये पूरे साल का दिया हुआ था 3%, हमने कन्वर्ट किया इसको 6 मंथ के लिए। अगे सेम फॉर इंश्योरेंस, सेम फॉर अदर एक्सपेंसेस एंड सेम फॉर डेप्रिसिएशन। पावर इज ओनली रनिंग आइटम, टोटल आ गया और इससे हमने MHR निकाल दी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा है तो छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमा घूम के दे देते हैं क्वेश्चन कई बार। लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस टू आइडेंटिकल लार्ज एंड फोर आइडेंटिकल स्मॉल मशीन्स। ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द वर्कशॉप एंड फुली एम्प्लॉयज 3 वर्कर्स। ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज, एक मिनट यहां तक बात समझ में आई कि हमारे यहाँ 2 लार्ज मशीन है और 4 स्मॉल मशीन है। लार्ज मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4 यानी 1/4 ऑफ द एरिया एंड 3 वर्कर। ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज हाफ द स्पेस ऑफ लार्ज मशीन। लार्ज मशीन ऑक्यूपाई करती है 1/4, उसका भी हाफ यानी 1/8 और 2 वर्कर एंड फुली एम्प्लॉयज 2 वर्कर्स। द वर्कर्स आर पेड बाय पीस वर्क, जितना काम करोगे उतना पेमेंट मिलेगा। ईच ऑफ द 6 मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर्स पर ईयर वाइल द इफेक्टिव लाइफ इज टेकन एज 1200 वर्किंग आवर्स फॉर ईच लार्ज मशीन एंड 9000 वर्किंग आवर्स फॉर ईच स्मॉल मशीन। मशीन जो लार्ज है उसकी पूरी लाइफ 12000 घंटे है। इस साल में कितने घंटे काम करना है, 1440। लाइफ पूरी है 12000 घंटे। स्मॉल मशीन की लाइफ है पूरी लाइफ 9000 घंटे। लार्ज मशीन कॉस्ट 20000, स्मॉल मशीन कॉस्ट 4000, स्क्रैप वैल्यू 4000, 1 और 100 रिस्पेक्टिवली। यानी कि लार्ज मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 4000, स्मॉल मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 100 रुपीज। रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑयल आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट फॉर ईच लार्ज मशीन ₹4000 एंड ईच स्मॉल मशीन 1200 ड्यूरिंग इट्स इफेक्टिव लाइफ, यानी पूरी लाइफ के लिए। पावर कंजम्पशन 5 पैसा पर यूनिट एंड अमाउंट फॉर ए लार्ज मशीन 20 यूनिट्स पर आवर एंड फॉर ए स्मॉल मशीन 2 यूनिट्स पर आवर। द मैनेजर इज पेड 4800 अ ईयर एंड द वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाइज हाफ इज टाइम। आधा ही टाइम देता है, आधा कहीं और देता है, तो पैसे भी आधे मिलेंगे भैया। एंड विच इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द 6 मशीन, यानी कि जो आधा आया 4800 का आधा हुआ 2400, उसका 1/6 हर मशीन को इक्वलेंट इक्वल टाइम दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 मशीन और 6 को 1/6 1/6 खर्चा आएगा 6 के हिस्से में। डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस रेंट रेट वर्कशॉप 6400, लाइटिंग टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड ₹1820 पर ईयर टेकिंग ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एज ए बेसिस। लो गड़बड़ हो गया, नई चीज़ आदमी ने 3 महीने का बेसिस करना है, 3 महीने बनाना है कॉस्टशीट हमें। जो हमारी पूरी कॉस्टशीट बनेगी वो 3 मंथ्स की बनेगी। कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर लार्ज मशीन एंड स्मॉल मशीन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आसान है, बस आपको ध्यान देना है इसके प्रेजेंटेशन पर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। कुछ बातें हमें कैलकुलेट करनी है, पहले समझ लीजिए। हमारे पास 2 तरह की मशीनें हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज 2 मशीनें हैं, हमने नाम दिया L1 L2। स्मॉल 4 मशीन है, नाम दिया हमने S1 S2 S3 S4। एरिया L1 में कितना आ रहा है बेटे, 1/4।
1/4, इधर 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. एम्प्लॉइज 3, 3, 2, 2, 2, 2. आवर्स निकाल लेते हैं फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि वो 3 महीने के लिए कह रहा है. 1440 पूरे साल के लिए हैं, तो 3 मंथ्स के कितने हुए, 360 आवर्स, राइट. कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं अपन, लार्ज मशीन के लिए और स्मॉल मशीन के लिए. फिक्स चार्जेस, क्या क्या आएगा, सबसे पहले रेंट, लार्ज मशीन और स्मॉल. मैं साफ साफ करता जा रहा हूं बच्चों, यही की है. 6400 पूरे साल का है, हमारा बेसिस 3 महीने का है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया 3/12 से मल्टीप्लाई करके 3 मंथ का लिया है. एरिया कितना ले रही है मशीन, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम पर कितना रेंट आया, 1 लाख मशीन का 400 रुपये. ऐसे ही स्मॉल मशीन के लिए 6400 × 3/12 × 1/8, क्योंकि ये 1/8 एरिया ले रही थी मशीन, तो ये आया हमारे पास 200. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइटम फिक्स, लाइटिंग. लाइटिंग को किस में बांटना था, हमें किस रेशों में बांटना था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो भैया पूरे साल का था 1820, 3 महीने में कन्वर्ट किया, अब 1 लार्ज मशीन में एम्प्लॉय है 3, टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14, तो 3/14 प्रपोर्शन यहाँ आ गया, दैट इज 97.50. अगेन 1820 × 3/12, स्मॉल मशीन में कितने थे, 2, कितना आ गया, 65. सुपरविजन सबका एक सा लेना है, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो. 4800 तो इसका पूरा था, पर इस नालायक ने आधा ही टाइम दिया था तो आधा कर दिया. फिर अपन ने इसको 3/12 करके 3 महीने का निकाल लिया, और हर मशीन कितना मिल रहा है हिस्सा, 1/6. क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 मशीनें हैं और 6 को इक्वल टाइम दिया है, तो इट इज 100 and 100. ये आ गई हमारी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स. अभी हम इसको कहते हैं ए, तो दिस विल कम 597.50, दिस इज 365. अब रनिंग चार्जेस की बात करते हैं, रनिंग चार्जेस में सबसे पहले लेते हैं डेप्रिसिएशन. भैया डेप्रिसिएशन रनिंग में क्यों आया, क्योंकि लाइफ आवर्स में दी थी, लार्ज मशीन स्मॉल मशीन. भैया कॉस्ट है इसकी 20,000 माइनस स्क्रैप 4,000, डिवाइड किया हमने लाइफ के आवर्स से यानी 12,000, मल्टीप्लाई किया हमने इस पीरियड के आवर्स से यानी 360, देन व्हाट विल हैव, 480. स्मॉल मशीन कॉस्ट है 4,000 माइनस 100 स्क्रैप वैल्यू, लाइफ है 9,000 घंटे, मल्टीप्लाई किया इस पीरियड के आवर यानी 360, तो क्या आया हमारे पास, 156. उसके बाद रिपेयर्स, ये भी पूरी लाइफ की दी है, लाइफ आवर्स में दी है तो रनिंग में जाएगा. लार्ज 4000 है, कितने घंटे की, 12,000 घंटे की, इस पीरियड में कितने घंटे हैं, 360, 120. स्मॉल मशीन
इसकी रिपेयर दी है 1200, लाइफ कितने घंटों की है 9000 घंटे की, इस पीरियड कितने घंटे हैं 360, कितना आया 48। उसके बाद पावर कह रहा है लार्ज मशीन यूज़ करती है 20 यूनिट एक घंटे में, स्मॉल मशीन यूज़ करती है 2 यूनिट। ठीक है भैया, 20 यूनिट क्या रेट है 5 पैसे, कितने घंटे 360 घंटे, 360 रुपीज़। स्मॉल मशीन 2.05 × 360, 36। टोटल आ गया वेरिएबल रनिंग चार्जेस का 960 और 240, ये इसको हमने बी नाम दे दिया, टोटल रनिंग चार्जेस। और बच्चों टोटल, अब आ गए टोटल ओवरहेड्स, दोनों को जोड़ लिया हमने ए प्लस बी, टोटल आया 1557.50 एंड सिक्स जीरो फाइव। एमएचआर निकालते हैं, डिवाइड करेंगे 360 से, देन वी हैव 433 एंड 1.68। इसमें जो डिफरेंट तरीका हमने किया वो ये किया हमने कि हमने लार्ज मशीन स्मॉल मशीन का अलग अलग फाइंड आउट किया, और यही इजी तरीका है, एक साथ नहीं निकाल सकते, थोड़ा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में मुझे एक दो क्वेश्चन और भी शेयर करने हैं, तो उसका वीडियो थोड़ी देर में भेज दूंगा, तब उसके बाद में होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है।